तो आज मैं जहाँ पे बैठा हुआ हूँ वो है नेपाल। एंड नेपाल का ये बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद जो एरिया होता है वो है। तो देखिए गाइस, मैं नेपाल पे हूँ। एंड गाइस, मेरे को आप लोग देख सकते हो मैं कैसा हूँ यहाँ पे। तो मेरे को ना आज मैंने सुबह 5 बजे ट्रेन लिया था एंड देन मैं आ गया था नेपाल। यहाँ पे जो मैं हूँ, यहाँ पे लोकेशन के हिसाब से ये है मेची। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे को देख लेता हूँ। एंड बस थोड़ा सा मेरा लिप्स वहाँ पे ड्राई हो गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ कंफर्ट के लिए। एंड देन मैं थोड़ा सा मेरे को दिखाता हूँ, बस इतना ही। एंड मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे मतलब लोग थोड़ा सा अलग किस्म के हैं, मतलब थोड़ा सा कुछ अलग है। एंड यहाँ का वातावरण भी थोड़ा सा कुछ अलग है, मतलब इंडिया से लेके नेपाल तक थोड़ा सा अलग है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थका फील कर रहा था, मतलब टायर्ड था। एंड देन पीछे बहुत ज़्यादा धूप था, आप लोग जैसे कि देख सकते हो। देन मैं यहाँ पे देखता हूँ आप लोगों को सामने सामने की तरफ। सो आप लोग देख सकते हो सामने की तरफ मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सो मेची थोड़ा सा आगे आने के बाद आप लोग इसको देख सकते हो। आप लोग जो 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 लोग नेपाल गए हों वो लोगों को पता होगा ये वाला जगह। तो यहाँ पे जो बांस रहता है ना, इसका कलर थोड़ा सा अलग रहता है, इंडिया से अलग है। एंड देन आप लोग देख सकते हो बस से आप लोग पकड़ के काठमांडू भी जा सकते हो, ठीक है। तो मैं तो अभी नहीं जाऊँगा, मेरा टाइम बहुत कम है। तो मैं नेक्स्ट ईयर आई थिंक आऊँगा। देन आप लोग देख सकते हो कि मैं जा रहा हूँ नेपाल। नेपाल पे जो मैं मेची पे था, बस मेची पे गया था। देन मैं आ रहा हूँ नेपाल की तरफ, मतलब सिलीगुड़ी पे आ रहा हूँ। सिलीगुड़ी से मैंने जहाँ पे गया था नेपाल, सो नेपाल टू सिलीगुड़ी अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है। सो अभी देख सकते हो आप लोग। सो ये बाहर जाने का है, मतलब देख सकते हो आप लोग थोड़ा सा जो व्यू है, आप लोग पूरा व्यू को देखो, ठीक है। मैं पूरा कवरेज करने का कोशिश करूँगा। देन आप लोग देखोगे इस यहाँ पे माउंटेन है, आई डोंट नो इसका नाम नेम क्या है, लेकिन जिसको भी पता होगा मेरे को कमेंट पे जरूर बता देना, ठीक है। देन मैं आप लोगों को व्यू दिखा रहा हूँ। सो आप लोग फ़ोन को थोड़ा सा रोटेट कर लेना। एंड है ये मेची रिवर है, जो मेची ब्रिज एंड रिवर देखिए आप लोग देख सकते हो। तो इसको क्रॉस करने के बाद ही आप लोग कर सकते हो। देन मैं आ गया भाई, मेरा कार पे आ गया। एंड देख सकते हो मैं अभी जा रहा हूँ सिलीगुड़ी पे। मैं वहाँ पे एक एक दिन रहूँगा एंड देन मैं निकल पाऊँगा सेबुक के लिए, क्योंकि मेरे को सेबुक भी घूमना है। तो देख सकते हो गाइस मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। सो सिलीगुड़ी पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, मतलब सिलीगुड़ी और कोलकाता लगभग इक्वल है, मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है भाई। मतलब अभी तो ट्रैफिक आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने अगर मेरे को इंस्टा पे फॉलो करके रखा है तो आप लोग देख सकते हो आप, ठीक है। सो वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। एंड देन मैं थोड़ा सा एक सॉन्ग प्ले करने के बाद आप लोगों को ले जाता हूँ डायरेक्टली सेबुक पे। एंड गाइस, यह है हमारा डे वन सेबुक पे। सो मैं आ जाता हूँ NS 160 पे डायरेक्टली सेबुक। एंड देन आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे रिवर तीस्ता, आई थिंक इसका नाम है तीस्ता रिवर, इसका आई थिंक नाम है। एंड देख सकते एंड गाइस देख सकते हो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा व्यू। मैं पूरा एरिया कवर करने का कोशिश करूँगा, जितना मेरे से होगा मैं करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास है अभी सैमसंग A14 का सेट, जो कि काफ़ी अच्छा वीडियो क्वालिटी दे देता है, इसलिए मैंने इसको ले आया। और आप लोग देख सकते हो तो सामने मंकीज हैं एंड रिवर एंड ऊपर की तरफ पहाड़ है। जो ब्रिज है ना, अभी मैं क्रॉस करने वाला हूँ उस ब्रिज को। ब्रिज जो है ना, उस ब्रिज को आप लोग सामने से अगर देखोगे तो नेक्स्ट लेवल आपको व्यू देखने को मिलेगा। अगर आप मतलब मेरा वीडियो की तरफ वीडियो से देखोगे तो आप लोगों को उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये फील कर सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे गया था। तो मेरे को वीडियो में उतना ज़्यादा फील आया ही नहीं, और मैं आस्ते 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 जा रहा था। देन ऊपर की तरफ देखो पहाड़ है, बहुत हरियाली छाया है। एंड बहुत ऐसे यहाँ पे ना, मतलब अलग ही एनर्जी फील होता है। आप लोग अगर पहाड़ पे गए हो तो अलग ही यहाँ पे एनर्जी फील होता है, मतलब नो नेगेटिविटी, ओनली पॉजिटिव वाइब्स ओनली।
देन रिवर की तरफ देख सकते हो आप। एंड गाइस, मैंने ब्रिज क्रॉस करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पे रोड पे एंड जो है मतलब मैं हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग पहाड़ पे जाएंगे, लेकिन हमसे वो नहीं हुआ। डेट्स वाई हमने बस राइडिंग किया, क्योंकि हमारे पास बाइक भी अच्छा खासा था। डेट्स वाई हम लोगों ने सोचा कि चलो राइडिंग कर लेते हैं एक बार। तो देख सकते हो गाइस, मैं तो नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि मेरा सामने मेरा एल्डर ब्रदर है, वो बाइक को चला रहा है। आप लोग नज़ारा देख सकते हो कि बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग अगर सिलीगुड़ी पे आना तो जरूर सेवक पे जाना। सेवक का रोड जो भी होता है, मतलब जाने अगर आप सेवक पे जाओगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा एनर्जी फील होगा, एकदम पॉजिटिविटी। आप लोग जरूर जाना। तो यहाँ पे मैं मेरा वॉइस ओवर के कर देता हूँ थोड़ा सा टाइम के लिए ऑफ, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को सुनाऊंगा थोड़ा सा सॉन्ग एंड देन मैं लास्ट पे मेरा फिनिशिंग दे दूंगा एंड वीडियो को वहाँ पे एंड कर दूंगा। क्योंकि ये वीडियो जस्ट मिनी ब्लॉग है, मेरा वैसा कोई प्लान नहीं था, जस्ट मैंने छोटा छोटा करके क्लिप लिया था एंड देन मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब चैनल पे छोड़ूंगा। तो चलिए सॉन्ग सुन लेते हैं, क्योंकि सॉन्ग भी बहुत अच्छा है। ठीक है, सो लेट्स प्ले द सॉन्ग।
मौज मजे सीना जोरी की तू तारी की दुनिया ये डाट कपटी जाता नहीं की सहज सहज दी दुनिया ये तो सॉन्ग कैसा लगा मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना। तो ये मेरा फर्स्ट ट्राई है जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इसको यूट्यूब चैनल पे छोड़ूंगा, जिस मैंने कैप्चर किया था वीडियो क्लिप्स एंड मैं अभी बैठा हूँ एडिट करने के पे। तो जो भी बोलो यार, मतलब पहाड़ी रास्ते पे अगर आप कभी जा चुके हो, अगर आपने कोई भी राइडिंग किया है तो आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। हाँ कि नहीं? ऑब्वियसली हाँ होगा आंसर, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका पे मतलब आइडिया पे जो भी है राइड करने पे बहुत मज़ा आता है। एंड सेफ ड्राइव सेफ लाइफ ब्रो, हेलमेट जरूर पहन के जाना। सो मैं पे जो भी है, मैं बस नज़ारा का मतलब व्यू ले रहा हूँ एंड बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। एंड पीसफुल जगह है एंड आप लोग जरूर सेबुक पे आना एंड मेरे को इंस्टा पे फॉलो करना एंड देन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पहाड़। नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे ज़रूर एंड फुल प्रिपरेशन के साथ आएंगे, क्योंकि आप लोगों को गाइस मैं अभी सोच रहा हूँ कि ब्लॉग दिया जाए, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाने में बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन बिगिनर हूँ मैं। धीरे धीरे करके सीख जाऊँगा। आप लोग देख सकते हो नज़ारा, देख सकते हो आप लोग, जस्ट आप लोग व्यू को देखो भाई। एंड आप लोग कभी ना भी देखो तो यार मेरे को दुख होगा, लेकिन मैं ऐसे मेमोरी मेरा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे रख दूंगा, ठीक है? बस यही है। थोड़ा सा आप लोग उनको रोट कर लेना। आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग होगा, मेरे को खुद बोरिंग लग रहा है, लेकिन फिर भी भाई मैं यूट्यूब पे ऐसे मेमोरी इसको सेव करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे तो कुछ रखना चाहिए ना। तो गाइस मतलब इतना ही था, जो भी है मैं तो पहाड़ पे गया ही नहीं एंड नेपाल पे, अच्छा नेपाल पे क्यों गया था, नेपाल पे मैं बस फ़ोन का आईफोन 12 का मेरा कवर लेने गया था, बस इतना ही था। मैंने कवर भी ले लिया एंड टेम्पर ग्लास भी ले लिया, बहुत सस्ते में मेरे को मिल गया तो ले लिया मैंने। एंड देन गाइस देख सकते हो मैं सेबुक तो इतना था गाइस आज के इस वीडियो में। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के तरफ, मतलब एडिटिंग वीडियो लेके मैं आऊँगा जल्दी। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय। बस व्यू देखो गाइस, मैं सॉन्ग भी चला दूंगा एंड वीडियो को मस्त तरीके से एडिट करूँगा, ठीक है? सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।